भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन अब गोड्डा तक जाएगी और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे यह ट्रेन आखिर कब से गोड्डा तक जाएगी और इस ट्रेन को लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन रेलवे के आर में, जिसमें हम भागलपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर तो लाते ही हैं, इसके साथ ही गोड्डा हसडिया दुमका जैसे बड़े रेलवे स्टेशन से भी जुड़ी जो भी जानकारी हमें मिलती है वो भी लेटेस्ट वीडियो के अनुसार आपको हम बताते जाते हैं। ऐसे में एक और भी अपडेट सामने निकल के आई है, वो है कि भागलपुर से जो चलने वाली रांची एक्सप्रेस है, भागलपुर रांची एक्सप्रेस जो कि डुप्लीकेट वनांचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाती है, इस ट्रेन को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इस ट्रेन के परिचालन को लेकर के बात चल रही है। यह ट्रेन फिलहाल भागलपुर से रांची ही जाएगी, लेकिन हसडिया और गोड्डा तक रेल लाइन बन जाने के बाद अब लगता है कि इस ट्रेन का परिचालन विस्तार कर दिया जाएगा। रांची से भागलपुर जाने वाली डुप्लीकेट वनांचल एक्सप्रेस को गोड्डा तक चलाने की अनुमति रेलवे बोर्ड तो पहले ही दे चुकी है, वहीं पौड़ैया हाट तक ट्रैक बनकर तैयार है और उसमें आगे भी काम जारी है। गोड्डा तक रेलवे ट्रैक बिछने के साथ ही भागलपुर तक जाने वाली ट्रेन गोड्डा तक चलेगी। इससे रांची से बोकारो और धनबाद होकर गोड्डा तक पहुंचने को एक सीधी ट्रेन मिल पाएगी। गोड्डा के यात्रियों को भी भागलपुर आने के लिए एक नई इंटरसिटी ट्रेन तो मिलेगी ही, साथ ही इन्हें रांची जाने के लिए भी एक ट्रेन मिल पाएगी, जिससे सीधा संपर्क रांची धनबाद बोकारो और गोड्डा एवं भागलपुर एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। इस ट्रेन को लेकर के जो कुछ जानकारी सामने आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि रेलवे पूरी तैयारी कर चुकी है और इस ट्रेन को लेकर के खड़ी अब हरी झंडी का है इंतजार। हालांकि भागलपुर रांची एक्सप्रेस अब जल्द ही कुछ दिनों में पटरी पर लौट आएगी, लेकिन यह ट्रेन गोड्डा को कब जाएगी इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय ने पहले इस ट्रेन को गोड्डा तक चलाने की हरी झंडी दे दी है। नई वीडियो में कुछ और भी जानकारी हम लेकर के आएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।